यदि अपना रूठा हुआ प्यार वापस पाना चाहते हो, बिछड़ा हुआ आपका लव फिर से प्राप्त कर लेना चाहते हो, तो उसका क्या सरल साधन है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज कारण वारण निवारण सब बताएंगे। सीधा आपको लेके चलता हूं उपाय की तरफ, सोल्यूशन की तरफ, उपचार की तरफ, जिससे सब ठीक हो जाएगा। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि एक आपको लौकी लेनी है। हाँ साहब, एक लौकी लेनी है मात्र। ये तो तुम्हारे घर में मिल जाएगी, इसके लिए तुम्हें खर्च भी नहीं करना। एक लौकी लीजिएगा, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा ना हो। कोशिश करिएगा कि वो अतिशय बड़ी ना हो, छोटी, सुडौल, सुंदर, आकर्षक और बढ़िया, बिना दाग की। अब उस लौकी में आपको 27 लौंग लगा देनी है चारों तरफ। क्या करना है? 27 लौंग लगानी है, और हर लौंग को लगाते समय अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, अपनी तरीके से क्या कहना है उसको, तुम जो भी कहते हो। अब तुम बुलवाई दोगे मुझसे बाबू, बच्चा, सोना इत्यादि, जो भी तुम बोलते होगे उसे। हाँ, वो बोल के उस लौंग को लगाना है, बोल के लौंग को लगा देना है अंदर। लौकी जितनी मुलायम और सॉफ्ट और बढ़िया होगी, उतना अच्छा उपाय कर पाओगे आप। लौंग टूटेगी नहीं, ध्यान रहे लौंग टूटने ना पाए, उसके ऊपर का फूल भी नहीं टूटने पाए। चारों तरफ से उसको 27 लौंग से सजा दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना यह है, आपको एक कच्चा सूत लेना है और कोशिश करना है कि सारी लौंगों को आपस में एक दूसरे से बांधते हुए लपेटते हुए धागे को, एक लौंग के ऊपर ऐसे घुमाया फिर घुमाया, जैसे आपस में तार एक दूसरे के साथ कनेक्शन बांध देते हैं। 27 ही क्यों भाई? हाँ, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं। तुम उन 27 नक्षत्रों को अपने प्यार में बांध रहे हो कि कोई नक्षत्र तो तुम्हारे पक्ष में होगा, कोई नक्षत्र तो तुम्हारे हिसाब का होगा, बस उसी दिन तुम जीत जाओगे। तो बस उसको सारे को बांध देना। बांधने के बाद रोली अक्षत चावल से उसकी खूब अच्छे से पूजा करना, धूप दीप दिखाना। धूप दीप दिखाने के बाद अपने मस्तक पे लगाना और बोलना, ए पंचदेव, मेरे प्यार की रक्षा करो, मेरी सुरक्षा करो, मुझे मेरे प्यार से मिलवाओ, जो भी संकट हो, जो भी मुसीबत हो, जो भी तकलीफ हो, उसे दूर करो, ऐसी प्रार्थना करना। और यह प्रार्थना केवल बोल के छोड़ मत देना, इसको जाकर पीपल पे चढ़ाना है। करना किस दिन है? शनिवार के दिन ये काम करना, सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन करना है। ध्यान रखे इस बात का बच्चों, इस बात का बहुत ध्यान रखना तुम, कि तुम्हारे प्यार के लिए ये बहुत आवश्यक उपचार है। इसे बड़ी सहजता के साथ करना। अगर शनि अमावस्या मिल जाए, अगर शनि पुख्य मिल जाए, अगर शनि स्वाति मिल जाए, ऐसा नक्षत्र मिल जाए, तो बहुत अच्छा, गूगल कर लो, मिलता है, उसमें पता चल जाएगा कब पड़ रहा है। उस दिन सामान्य शनिवार को भी किया गया ये उपाय, बहुत फल देता है, बहुत अच्छा हो जाता है। इससे खूब खुश रहना, खूब प्रसन्न रहना, खूब आनंदित रहना। तुम्हारी लाइफ में कभी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आने ही ना पाए। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में खूब सारा प्यार, आनंद और वैभव बढ़े, ये सिर्फ कहता नहीं हूं, ध्यान रखना, ये होगा ही। जय शिव शंभु।